हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का योर एग्री ट्यूटर में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां बनाते हैं अपनी एग्रीकल्चर की स्किल को और भी बेहतर। एस्पिरेंट्स, ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होगा IBPS FO, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, नाबार्ड जैसे वनडे एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड अर्थ डे को सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल को। पहली बार वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया था 1970 में पीस एक्टिविस्ट जॉन मैकनेल के द्वारा। 1969 में वर्ल्ड अर्थ डे को सेलिब्रेट करने का प्रपोजल दिया गया था। इस वर्ष 2021 में विश्व पृथ्वी दिवस की थीम थी रिस्टोर आवर अर्थ। वर्ल्ड अर्थ डे का सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है अर्थ सोसाइटी फाउंडेशन के द्वारा, जो फाउंडेड है जॉन मैकनेल के द्वारा। भारत का एग्रीकल्चर ट्रेड 2020-21 के दौरान इंक्रीज हुआ है। एग्री एंड एलाइड कमोडिटीज का एक्सपोर्ट अप्रैल 2020 से लेकर फरवरी 2021 के बीच में 18.49% इंक्रीज हुआ है। वीट के एक्सपोर्ट में ट्रेमेंडस ग्रोथ देखने को मिली है 727% की, और नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्ट भी 132% इंक्रीज हुआ है। जो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट हैं उनका भी एक्सपोर्ट 26.51% इंक्रीज हुआ है। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020 रिपोर्ट रिलीज की गई है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वार्मेस्ट डिकेड 2011 से लेकर 2020 को रिकॉर्ड किया गया है। 2020 को वन ऑफ द वार्मेस्ट ईयर घोषित किया गया है। ग्लोबल एवरेज की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन 410 पार्ट पर मिलियन तक एक्सीड हुआ है। एस्पिरेंट्स, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। योर एग्री ट्यूटर यूट्यूब चैनल पर प्रीमियम मेंबरशिप को ओपन कर दिया गया है। आप इस पैकेज का लाभ उठा सकते हैं। इस पैकेज में आपको जनरल एग्रीकल्चर के वन लाइनर PDF दिए जाएंगे। PDF आप स्पेशल वीडियोस, कुछ स्पेशल वीडियोस होंगे जिनके PDF आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। व्हाट्सएप चैट सपोर्ट भी आपको दिया जाएगा। आपके जितने भी डाउट हैं, क्वेरी हैं, उनको व्हाट्सएप चैट के थ्रू सॉल्व किया जाएगा। प्रीमियम मेंबर्स को पर्सनल गाइडेंस भी दी जाएगी। अब बात करते हैं आप प्रीमियम मेंबरशिप को ज्वाइन कैसे करेंगे। ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल में एक ज्वाइन बटन आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर आप क्लिक करके मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। एस्पिरेंट्स, इस मेंबरशिप के लिए प्राइस रखी गई है 159 रुपीज पर मंथ। आपको सिर्फ 159 रुपीज पर मंथ पे करना है और आप बन जाएंगे एक प्रीमियम मेंबर। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने फार्मर्स वेलफेयर के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। इस प्रोजेक्ट का फोकस है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें टेक्नोलॉजी को बूस्ट किया जाए, स्पेशली पोस्ट हार्वेस्ट सीजन के दौरान स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्निक्स फार्मर्स को प्रोवाइड कराई जाए। ये प्रोजेक्ट भारत के 6 राज्यों के 100 विलेज में लॉन्च किया गया है। 6 राज्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और आंध्र प्रदेश। फार्मर्स के ट्रेड को एक्वाकल्चर में बढ़ाने के लिए श्री पीयूष गोयल जी के द्वारा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, इसका नाम है ईशांता। इस पोर्टल के थ्रू फार्मर्स अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेल कर सकेंगे और ये एक ब्रिज क्रिएट करेगा फार्मर्स और बायर के बीच में। इस पोर्टल का उद्देश्य है कि कम्प्लीटली मिडिल मैन को एलिमिनेट किया जाए फार्मर्स और बायर के बीच से। इस पोर्टल को 6 अलग अलग भाषाओं में लॉन्च किया गया है, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, हिंदी, उड़िया और बंगाली में। दी फिशिंग इन इंडिया कंट्रीब्यूट्स टू 1.07% ऑफ टोटल GDP। जो टोटल GDP है हमारे देश का, उसमें फिशिंग सेक्टर 1.075% तक कंट्रीब्यूट करता है। 2021 ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट रिलीज की गई है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। इस साल इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट को थीम बेस्ड रिलीज किया है। थीम का नाम है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम आफ्टर COVID-19। स्टूडेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थीम याद रखनी है और रिपोर्ट किस इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज की जाती है ये याद रखना है। AI फॉर एग्रीकल्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एग्रीकल्चर हैकथन के लिए शुरू किया गया है गूगल, MyGOV और HUL के द्वारा, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के द्वारा। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि एग्रीकल्चर की फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव किया जाए। ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था वर्ल्ड वाटर डे के दिन। स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं हैकथन क्या होता है। ये एक इवेंट होता है जो किसी टेक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होस्ट किया जाता है। इसमें प्रोग्रामर एक साथ आकर किसी प्रोजेक्ट के लिए कोलैबोरेट करते हैं। एक रिपोर्ट है, मोर देन 80% ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया इज यूज इन एग्रीकल्चर। भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में 80% से ज़्यादा फ्रेश वाटर यूज किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री
और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है। इसका उद्देश्य है कि जो आयुर्वेदा के कॉन्सेप्ट हैं और उसके एलाइड डिसिप्लिन हैं, उससे जुड़ी हुई व्यवस्थाएं हैं, उनको वेटनरी साइंस में इंट्रोड्यूस किया जाए। मधुक्रांति पोर्टल और हनी कॉर्नर को लॉन्च किया गया है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा। मधुक्रांति पोर्टल एक इनिशिएटिव है नेशनल बी बोर्ड का और यह ऑपरेट किया जाता है नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के अंतर्गत। इस प्रोजेक्ट के लिए एक एमओयू साइन किया गया था नेशनल बी बोर्ड और इंडियन बैंक के बीच में। इस प्रोजेक्ट को, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए जो भी टेक्निकल या फिर बैंकिंग सपोर्ट होगा वो इंडियन बैंक के द्वारा दिया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हनी की क्वालिटी और हनी के सोर्स को भी चेक किया जाएगा। स्टूडेंट्स, ये तस्वीर है लॉन्च डे की। पीएम एफएमई स्कीम को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा। पीएम एफएमई, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2020-21 से लेकर 2024-25 के बीच में। इस योजना के लिए आउटले है 10,000 करोड़ रुपीज का। पीएम एफएमई स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डिपार्टमेंट के द्वारा। भारत और इटली की पार्टनरशिप के साथ भारत में एक मेगा फूड पार्क लॉन्च किया गया है जिसमें फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज भी इन्वॉल्व हैं। ये लॉन्च हुआ था 17 अप्रैल 2021 को। इट इज द फर्स्ट इटालियन इंडियन फूड पार्क प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर के बीच में इंटरेक्शन को डेवलप करना। इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा स्पेशल पर्पज व्हीकल के द्वारा। प्लांट से डायरेक्ट इंटरेक्ट करने के लिए सिंगापुर के वैज्ञानिकों के द्वारा एक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है, इसका नाम है रोबो प्लांट। ये टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी प्लांट को कंट्रोल करने में और प्लांट को कंट्रोल किया जाएगा स्मार्टफोन के एप्लीकेशन के द्वारा। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि फ्यूचर में प्लांट्स के डिजीज को भी डिटेक्ट किया जा सकेगा, इससे फार्मर्स को काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। स्टूडेंट्स, सिंपली आपको टेक्नोलॉजी का नाम याद रखना है और किस देश के वैज्ञानिकों ने इसे डेवलप किया है ये याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ऑफ इसराइल ने हाल ही में अनाउंस किया है एक नेशनल प्लान और इस प्लान के अंतर्गत जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है 2050 तक उसे 80% तक रिड्यूस करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसका दूसरा उद्देश्य है कि जितने भी कोल फायर्ड पावर प्लांट हैं उन्हें 2025 तक बंद कर दिया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने हाल ही में अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के 40,491 हेक्टेयर लैंड को सर्टिफाइड किया है एज ए ऑर्गेनिक लैंड और ये सर्टिफिकेशन प्रूव किया गया है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम के अंतर्गत। सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो फार्मर्स हैं उनके खातों में डायरेक्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस की पेमेंट को डिपॉजिट किया जाए और मिडिल मैन को रिमूव किया जाए। वर्तमान में जो अड़तियाँ हैं जिनको कमीशन एजेंट कहते हैं वे पेमेंट को अपने अकाउंट में लेते हैं और फिर फार्मर्स को उसे चेक के माध्यम से पे किया जाता है। ऐसे अड़तीय जो फार्मर्स से क्रॉप को लेकर प्रिक्योर करते हैं और गवर्नमेंट एजेंसी तक क्रॉप को पहुंचाते हैं उनको 2.5% का कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जाता है। भारत का पहला फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट इस्टेब्लिश किया जा रहा है कुसुम योजना के अंतर्गत राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट के कोटपुतली तहसील में और इस पावर प्लांट की प्रोडक्शन क्षमता है 17 लाख यूनिट पर ईयर। स्टूडेंट्स, 17 लाख यूनिट इलेक्ट्रिसिटी पर ईयर इस पावर प्लांट के थ्रू प्रोड्यूस की जाएगी। इस प्रोजेक्ट को 3.50 एकड़ लैंड में इस्टेब्लिश किया जा चुका है और प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने का काम राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन के द्वारा किया जाएगा। संकल्प से सिद्धि विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव को लॉन्च किया गया है ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंतर्गत काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि ट्राइबल विलेज में उपस्थित जितने भी बंधन विकास केंद्र हैं उनको एक्टिवेट किया जाए। द मराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी मपेडा के द्वारा एक सर्टिफिकेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सफारी। ये एक एंटीबायोटिक फ्री सर्टिफिकेशन है एक्वाकल्चर के लिए। इस पूरे प्रोसेस को इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे कि 100% हेल्दी प्रोडक्ट प्राप्त किया जा सके और एक्सपोर्ट को भी बूस्ट किया जा सके। वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे हर वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है 16 मई को। 14वें वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। 2021 में
इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए थीम निर्धारित की गई रूरल वुमेन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी थ्रू एग्री टूरिज्म। इस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है 2005 से। स्पिरेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोयाबीन की एक नई वेरायटी डेवलप की गई है, इसका नाम है MACS 1407। आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने मिलकर इस वेरायटी को डेवलप किया है। वेरायटी के सीड में 41% प्रोटीन और 19.81% ऑयल पाया जाता है। ये वेरायटी लीफ माइनर, लीफ रोलर, ग्राइडल बेटल, स्टेम फ्लाई, व्हाइट फ्लाई, एफिड और डिफोलिएटर्स के लिए एक गुड रेसिस्टेंट मानी जा रही है। वर्ल्ड वीट डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 20 मई को। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि लोगों में बीज की इम्पोर्टेंस को लेकर अवेयरनेस क्रिएट की जाए। 2021 में वर्ल्ड वीट डे की थीम थी लेट्स बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। आपको थीम याद रखनी है। बी कीपिंग को एपिकल्चर, एपेरी या फिर बी यार्ड नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल वर्कर्स डे या लेबर डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 मई को। इसको पॉपुलरली मे डे नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह मई मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए इसको मे डे भी कहते हैं। फर्स्ट टाइम लेबर डे इंडिया में होस्ट किया गया था लेबर किसान पार्टी मद्रास के द्वारा 1923 में। 2021 में इस दिन के लिए कोई थीम निर्धारित नहीं की गई है। प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है बादवानी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल लर्निंग के साथ। इस एमओयू को साइन करने का उद्देश्य है कि एआई बेस्ड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को फार्मर्स को प्रोवाइड कराया जाए। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी पॉसिबल इन्फेस्टेशन ऑफ पिंक वॉल वर्म इन कॉटन फील्ड। कॉटन फील्ड में अटैक करने वाले पिंक वॉल वर्म के जो भी इन्फेस्टेशन की पॉसिबिलिटी है उसकी सूचना प्रोवाइड कराई जाए। ये टेक्नोलॉजी किसानों को पहले से ज़्यादा एम्पावर करेगी, पहले से ज़्यादा समर्थवान बनाएगी। डिकेडल क्लाइमेट अपडेट रिलीज किया गया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इस रिलीज के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का टेम्परेचर जो पहले निर्धारित किया गया था कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ेगा, लेकिन अगले 5 वर्षों में 2021 से 2025 के बीच में ये टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा बढ़ने के चांस है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना याद रखना है, डिकेडल क्लाइमेट अपडेट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने स्मार्ट किचन स्कीम अनाउंस की है और ये योजना लॉन्च की जाएगी 10 जुलाई 2021 को। राज्य की महिलाओं के वर्कलोड को कम करने के लिए उनको लोन प्रोवाइड कराया जा सकेगा, जिससे वे अपने किचन को रिफर्बिश कर सकेंगी, किचन का नवीनीकरण करवा सकेंगी। स्टूडेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग न्यूज है, रशिया ने COVID-19 वैक्सीन को एनिमल्स के लिए प्रोड्यूस किया है। वैक्सीन का नाम है कार्निवास COV। इसको रजिस्टर्ड करवाया गया है मार्च में और वैक्सीन का टेस्ट किया गया है डॉग्स पे, कैट पे और फॉक्सेस पे। इसके टेस्ट के बाद देखा गया कि इन एनिमल्स में एंटीबॉडी जनरेट हो रही है। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना याद रखना है, वैक्सीन का नाम कार्निवास COV और किस देश ने इस वैक्सीन को डेवलप किया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत PLI स्कीम को, प्रोडक्शन लिंक स्कीम को फूड प्रोसेसिंग के लिए अप्रूवल दे दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इस योजना के लिए आउटले है 10,900 करोड़ रुपए। योजना को इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2021 से लेकर 2026-27 के बीच में। जो भी वॉलेंटियर योजना के ऑब्जेक्टिव को पढ़ना चाहते हैं, वीडियो को पॉज करके वो पढ़ सकते हैं। सिकाडस विश्व का सबसे लंबा लिविंग इंसेक्ट है। इसमें पंख पाए जाते हैं और इसकी आंखें रेड कलर की होती हैं। यहाँ देखेंगे आप, ये सिकाडस है और ये इसके पंख और ये है इसके लाल रंग की आंख। अंडरग्राउंड ये रूट फीड करता है। रूट को फीड करके अंडरग्राउंड ये सर्वाइव करता है। 12 से 17 वर्षों में एक बार इमर्ज होता है। 2004 के बाद पूरे मिड अटलांटिक में सिकाडस का एक ग्रुप प्रिडिक्ट किया गया है और इसे नाम दिया गया है ब्रूड एक्स सिकाडस का। स्पेंड्स, तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड को कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। केरल राज्य के बाद ये दूसरा राज्य है जिसने ग्लाइफोसेट को कम्प्लीटली बैन किया है। इस बैन के पीछे की ये पूरी कहानी है। जो भी वॉलेंटियर पढ़ना चाहते हैं, वीडियो को पॉज करके वो इसे पढ़ सकते हैं। फूड प्राइस इंडेक्स रिलीज किया गया फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और अनाउंस किया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अप्रैल 2021 में। 2014 के बाद FPI का ये हाइएस्ट लेवल देखने को मिला है। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं फूड प्राइस इंडेक्स होता क्या है। फूड कमोडिटीज की इंटरनेशनल प्राइस का मंथली चेंज और उसका मेजरमेंट ही फूड प्राइस इंडेक्स कहलाता है।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है सीरियल का जो 1.2% इंक्रीज हुआ है, डेयरी का 1.2% इंक्रीज हुआ है और शुगर प्राइस 60% इंक्रीज हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने अनाउंस किया है कि समर क्रॉप का एरिया 2020 की तुलना में 21.58% इंक्रीज हुआ है। समर क्रॉप को जायद क्रॉप भी बोलते हैं और इसे मार्च से जून के बीच में उगाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर मिशन के लिए वर्ष 2021-22 के लिए 2250 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं। इसका उद्देश्य है कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर को डेवलप किया जाए। इस मिशन के अंतर्गत वेजिटेबल, फ्रूट, ट्यूबर क्रॉप, रूट्स, फ्लावर, बम्बू, कोकोवा, कोकोनट, स्पाइनच, एरोमेटिक प्लांट और कैसेव आते हैं। इस मिशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के द्वारा। नेशनल बम्बू मिशन ने हाल ही में डोमेस्टिक अगरबत्ती इंडस्ट्री को मजबूत बनाने के लिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को लॉन्च किया है। इसके माध्यम से अगरबत्ती प्रोडक्शन, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल जैसे डेटा कलेक्ट किए जाएंगे। ये सिस्टम प्रोडक्शन यूनिट और अगरबत्ती इंडस्ट्री के बीच में एज ए इंटरमीडिएटरी एक्ट करेगा। इसके माध्यम से इंफॉर्मेशन गैप को भी फिल करने में मदद मिलेगी। इंटरनेशनल ट्री डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 21 मई को और ये सेलिब्रेशन होता है यूनाइटेड नेशंस एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 2005 से जो विश्व की मेजर टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो इंटरनेशनल टी डे को सेलिब्रेट कर रही हैं। 2021 में इंटरनेशनल टी डे की थीम थी टी एंड फेयर ट्रेड। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर और नाबार्ड ने मिलकर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर को लॉन्च किया है। ये महाराष्ट्र राज्य के एग्रीकल्चर और फूड एक्सपोर्ट को बूस्ट करने में मदद करेगा। ये सेंटर एक्ट करेगा एज ए वन स्टॉप शॉप। वन स्टॉप शॉप का मतलब एक ही छत के नीचे जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल होगी। ये सेंटर उन सभी लोगों के लिए है जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं। वर्ल्ड टर्टल डे हर वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है 23 मई को। इस दिन को मनाने का उद्देश्य होता है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके टर्टल एंड टर्टॉइस और उनके हैबिटेट के बारे में। इस दिन को सन 2000 से सेलिब्रेट किया जा रहा है अमेरिकन टर्टॉइस रेस्क्यू के द्वारा। 2021 में वर्ल्ड टर्टल डे की थीम थी टर्टल रॉक्स। एग्रीकल्चर कॉपरेशन को इन्हेंस करने के लिए 3 वर्षों का ज्वाइंट वर्क प्रोग्राम साइन किया गया है इंडिया और इजराइल के द्वारा और ये प्रोग्राम चलता रहेगा 2023 तक। इस प्रोग्राम के अंतर्गत 13 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले गए हैं जिनका उद्देश्य है कि इंडियन फार्मर्स को इजरायली फार्म और वाटर टेक्नोलॉजी से अवेयर कराया जाए। एक मॉडल इकोसिस्टम भी तैयार किया जाएगा जिसका नाम होगा विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस। इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि इंडिया के फार्मर्स हैं उनका लाइवलीहुड और उनकी नेट इनकम इंक्रीज की जाए। मिजोरम और म्यांमार के कुछ पार्ट्स में अफ्रीकन वायलेट, एक एंडेंजर्ड स्पीसीज को फाउंड किया गया है और ये डिस्कवरी की है ट्रॉपिकल इकोलॉजी और इवोल्यूशन लैब ने, जो एक यूनिट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च का। IISER सिचुएटेड है भोपाल में और उसने इस स्पीसीज को नाम दिया है डिडियामोकार्पस विकीफ्यूनिकी। हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। ये एक सेंट्रल सेक्टर प्रोग्राम है और इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड NHB के द्वारा। एस्पिरेंट्स, ये तस्वीर है लॉन्च डे की। पायलट फेज में टोटल 53 हॉर्टिकल्चर क्लस्टर में से इसे 12 हॉर्टिकल्चर क्लस्टर में ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वर्ल्ड वी डे के दिन एक ऑस्पिशियस कॉन्टेक्स्ट आज़ादी का अमृत महोत्सव के साथ यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। ये लॉन्च हुआ था इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा नई दिल्ली में। एस्पिरेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एस्पिरेंट्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और IBPS AFO के एग्जाम को देखते हुए इस करंट अफेयर के वीडियो को क्विज फॉर्म में प्रिपेयर किया गया है। तो पहली न्यूज़ है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो सही आंसर है 5 जून को। इस दिन को मनाने का पर्पस ये होता है कि विश्व में लोगों के बीच में एक अवेयरनेस फैलाई जाए कि जो पॉल्यूशन लेवल है और क्लाइमेट चेंज है, इसकी वजह से इन्वायरमेंट को कितना खतरा हो रहा है। 2021 में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को सेलिब्रेट करने के लिए थीम क्या निर्धारित की गई थी? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा निर्धारित की गई इस थीम को कई फॉर्म्स में देखा जा सकता है। ग्रोइंग ट्रीज, पौधों को उगाना, सिटीज को ग्रीन रखना,
गार्डन्स को फिर से बिल्ड करना और रिवर्स और कोस्ट जितने हैं उनको क्लीन रखना। इस तरीके से हम इकोसिस्टम को रिस्टोर करके रख सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेंजर डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 31 जुलाई को। वर्ल्ड रेंजर डे हर साल 31 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रेंड्स अगली न्यूज है, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 28 जुलाई को। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे एक्नॉलेज करता है कि किसी भी स्टेबल या फिर हेल्दी ह्यूमन सोसाइटी के लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट का होना बहुत जरूरी है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य होता है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाई जाए कि किस तरीके से अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करके रख सकते हैं। स्टूडेंट्स वर्ल्ड नो टोबैको डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 31 मई को। इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड लेवल पर 31 मई को। इसके बारे में, इस दिन के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे ये देखा गया है कि पिछले 3 दशकों में लगभग 200 मिलियन लोगों की डेथ हो चुकी है टोबैको स्मोकिंग की वजह से, और पूरी एनुअल इकोनॉमिक कॉस्ट जो आती है स्मोकिंग टोबैको की वजह से वो आती है $1 trillion की। कैन यू इमेजिन, $1 trillion, ये अगर इंडियन रुपीज में इसे कैलकुलेट किया जाए तो 1,00,000 करोड़ रुपए। 2021 में वर्ल्ड नो टोबैको डे की थीम क्या थी? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कमिट टू क्विट। स्टूडेंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। 2021 में वर्ल्ड वाटर वीक कब सेलिब्रेट किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 23 अगस्त से लेकर 27 अगस्त के बीच में। इस दिन को बिल्डिंग रेजिलेंस फास्टर इस थीम के साथ सेलिब्रेट किया गया, और इसका फोकस था कि विश्व की जो भी बड़ी से बड़ी वाटर रिलेटेड चैलेंजेस हैं उनके बारे में कंसर्न किया जाए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, धृति बनर्जी को। ये पिक्चर है अदृति बनर्जी की, सी इज न्यू डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हरिद्वार के किसानों ने वेजिटेबल की पहली खेप को किस देश को एक्सपोर्ट किया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट दुबई को। स्टूडेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2018 के IBPS AFO के मेन्स में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि बनाना का सबसे बड़ा इम्पोर्टर कंट्री कौन सा है, तो आप इस क्वेश्चन को, इस तरीके के जो भी क्वेश्चन है उनको ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड फूड प्राइस 2021 किसने जीता? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड ने। ये इनके ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च की वजह से जो इन्होंने किया था एक्वा कल्चर एंड फूड सिस्टम पर, इनको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड 2021 का दिया गया। जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस के कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए किस कंट्री को अप्रूवल दिया गया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, फिलीपींस को। ये अप्रूवल दिया गया 23 जुलाई 2021 को। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो गोल्डन राइस है ये चाइल्डहुड में होने वाली ब्लाइंडनेस के खिलाफ फाइट करने में मदद करेगा। हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम वर्चुअली किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र सिंह तोमर, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा ये लॉन्च किया गया 31 मई 2021 को। ये एक सेंट्रल सेक्टर प्रोग्राम है और इसे शुरुआती तौर पर 11 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लॉन्च किया गया है। फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने के लिए अपेडा ने किस राज्य के साथ कोलाबरेशन किया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख के साथ, और ये कोलाबरेशन किया गया 22 जुलाई 2021 को। इस कोलाबरेशन में ये बात कही गई है कि लद्दाख में होने वाले जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिससे वहाँ के फार्मर्स और एंटरप्रेन्योर्स दोनों की इनकम में इजाफा होगा। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ने किस बैंक के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नेशनल पंजाब नेशनल बैंक के साथ। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ने हैदराबाद में स्थित पंजाब नेशनल बैंक के जोनल ऑफिस को नोडल ऑफिस बनाया है। इसमें NFDF से आने वाले जो भी टेक्निकली अप्रूव्ड प्रपोजल हैं उनको रिसीव किया जाएगा। स्टूडेंट्स नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई थी 2006 में और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। स्टूडेंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाउस होल्ड फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए किस राज्य सरकार ने यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ कोलाबरेशन किया है? सही ऑप्शन है उड़ीसा राज्य ने।
वर्ल्ड बायोफ्यूल डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 10 अगस्त को। हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को भारत में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा 2015 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य होता है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए नॉन फॉसिल फ्यूल की इंपॉर्टेंस के बारे में और गवर्नमेंट के एफर्ट के बारे में जो बायोफ्यूल सेक्टर में किए जा रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के दिन E100 पायलट प्रोजेक्ट को किस सिटी में लॉन्च किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी पुणे महाराष्ट्र में। स्प्रेंड्स, ये लॉन्च हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा थीम के साथ प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर ए बेटर एनवायरमेंट। 7 राष्ट्रीय पुरस्कारों के साथ पहला वंदन एनुअल अवार्ड 2020-21 किस राज्य को दिया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी नागालैंड राज्य को। और ये अवार्ड दिया गया था ट्राइफेड के 34वें फाउंडेशन डे के दिन। ट्राइफेड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अवार्ड दिया गया अर्जुन मुंडा के द्वारा जो है यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे 2021? 2020-21 में वर्ल्ड मिल्क डे की थीम क्या थी? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सस्टेनेबिलिटी इन डेयरी सेक्टर एज वेल एज एनवायरमेंटल न्यूट्रिशनल एंड सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। हर साल 1 जून को हम वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन को सेलिब्रेट करने का उद्देश्य होता है कि मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स की इम्पोर्टेंस को समझा जाए। किस राज्य ने ई क्रॉप सर्वे इनिशिएटिव लॉन्च किया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राज्य ने। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने ई क्रॉप सर्वे इनिशिएटिव को लॉन्च किया है और ये इफेक्टिव होगा 15 अगस्त 2021 से। इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एग्रीकल्चर के साथ साथ टाटा ट्रस्ट के द्वारा। इस सर्वे में फार्मर्स को राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने का उद्देश्य रखा गया है। किस राज्य के किसानों को किसान मित्र ऊर्जा योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1,000 रुपये दिए जाएंगे? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान राज्य के किसानों को। किसान मित्र ऊर्जा योजना लॉन्च की गई थी राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी के द्वारा। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य के जो स्मॉल या मीडियम कैटेगरी के फार्मर्स हैं अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को एग्रीकल्चर पर्पस से लेते हैं तो वो उन्हें ऑलमोस्ट फ्री दी जाएगी। भारत के किस शहर में भारत का पहला टच स्क्रीन ग्रीन एटीएम इंस्टॉल किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी गुरुग्राम में। एस्पिरेंट्स, गुरुग्राम में भारत का पहला टच स्क्रीन ग्रीन एटीएम इंस्टॉल किया गया है। इस एटीएम के माध्यम से जो भी कंज्यूमर होगा वो 5 से 7 मिनट के अंदर 70 kg ग्रेन डिस्पेंस कर सकता है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कहना है जिनका नाम है दुष्यंत चौटाला कि अब जो भी कंज्यूमर है उनको लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा ना ही किसी भी गवर्नमेंट राशन दुकान के सामने। वो आसानी से ग्रेन एटीएम के माध्यम से अपने राशन को डिस्पेंस कर पाएंगे। क्लाइमेट चेंज की वजह से एनवायरमेंट को बचाने के लिए किस बैंक ने ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट्स को इंट्रोड्यूस किया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी HDFC बैंक ने। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। MD और CEO दोनों शशिधर जगदीशन है। HDFC बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। 2021 में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के रूप में किसे चुना गया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी RS सोडी को। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के नए बोर्ड के रूप में चुना गया है RS सोडी जी को जो गुजरात कॉरपोरेशन मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। फार्मर्स को उनकी समझी जाने वाली भाषा में सही सूचना सही समय पर देने के लिए कौन सा नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी किसान सारथी। किसान सारथी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा और ये लॉन्च हुआ था 16 जुलाई 2021 को ICR के 93वें फाउंडेशन डे के दिन। स्टूडेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रॉप इंश्योरेंस वीक 2021 कब मनाया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई to 7 जुलाई। 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में भारत में क्रॉप इंश्योरेंस वीक सेलिब्रेट किया गया। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर मिलेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज द होस्ट कंट्री फॉर द 2021 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 के होस्ट कंट्री कौन सी थी? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान।
पाकिस्तान ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 को होस्ट किया था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम के साथ। नेशनल फिश फार्मर डे कब मनाया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 10 जुलाई को। 10 जुलाई को हम हर साल नेशनल फिश फार्मर डे मनाते हैं और ये मनाया जाता है डॉक्टर के एच अली खुनी और डॉक्टर एच एल चौधरी की याद में, जिन्होंने इंड्यूस्ड ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी को डिमॉन्स्ट्रेट किया था, सिद्ध किया था 10 जुलाई 1957 को। विश्व स्तर पर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे को किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 7 जून को। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य होता है कि फूड बोर्न रिस्क हैं उनको डिटेक्ट किया जाए, प्रिवेंट किया जाए, ह्यूमन हेल्थ, एग्रीकल्चर, मार्केट एक्सेस, टूरिज्म और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी इंस्पायर किया जाए। भारत के नए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर का क्या नाम है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी पशुपति कुमार पारस। पशुपति कुमार पारस इज अ न्यू मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन यूनियन कैबिनेट। ये रामविलास पासवान जी के छोटे भाई हैं और इनका जन्म हुआ था 1953 में। इफ्को ने नए नैनो यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट को सेटअप करने के लिए किस देश के साथ एग्रीमेंट साइन किया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अर्जेंटीना के साथ। अर्जेंटीना के साथ 23 जून 2021 को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इफ्को ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। इस एग्रीमेंट में ये अर्जेंटीना में एक नैनो यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट सेटअप करेंगे। किसने राज्य रसायन और उर्वरक मंत्री के रूप में शपथ ली है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी भगवंत खुम्बा। भगवंत खुम्बा जी इस समय भारत के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर है। ये पिक्चर है भगवंत खुम्बा की। इंडियन मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम किस देश में शुरू किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बहरीन में। अपेडा के द्वारा आयोजित एक सप्ताह तक चलने वाले इंडियन मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम को बहरीन में शुरू किया गया। इस प्रोग्राम में भारत में उगाई जाने वाली मैंगो की 16 वेराइटीज को शामिल किया गया, जिसमें 3 जियोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफाइड वेराइटीज थी, जिनका नाम है कृषापति, लक्ष्मण भोग और जर्दालो। ए ट्राइबल लाइवलीहुड इनिशिएटिव जिसका नाम है संकल्प से सिद्धि मिशन वंदन, ये किस यूनियन मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया था? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अर्जुन मुंडा जी के द्वारा। ये लॉन्च हुआ था 15 जून 2021 को। फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशरी इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रूट्स पोर्टल किस राज्य के बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक राज्य के बैंक के द्वारा। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक KVG इन एसोसिएशन विद कर्नाटक गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के साथ एसोसिएशन करके इन्होंने फ्रूट्स पोर्टल को लॉन्च किया है। पोर्टल को इनॉग्रेट किया था नीरज कुमार वर्मा जी ने, जो चीफ जनरल मैनेजर हैं नाबार्ड के। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फिश फार्मर्स के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी मत्स्य सेतु। यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग श्री गिरिराज सिंह ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ये एप्लीकेशन बनाया गया है ICAR के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर और नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड NFDB हैदराबाद की मदद से। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को योर एग्री ट्विटर नाम से सब्सक्राइब कर लें। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो योर एग्री ट्विटर नाम से पेज को लाइक कर लें और फॉलो कर लें। वीडियो के PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें योर एग्री ट्विटर ऑफिशियल नेम से। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आज आपने कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।